नमस्कार, मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से। आज सुबह उद्धव जी ने बयान दिया है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारी नेताओं को जो है क्लीन चिट देकर अपनी टीम में शामिल कर रही है और इस राजनीति को एक नई दिशा पर ले जा रही है। तो इसी चर्चा करेंगे हमारे साथ सहयोगी हमारे अनिल थत्ते जी। थत्ते जी, आप क्या कहेंगे उद्धव जी के इस बयान पर कि ये भ्रष्टाचारी नेताओं को जो है भाजपा क्लीन चिट देकर अपने टीम में शामिल ले करके एक नई दिशा दे रही है? उद्धव जी धन्य हैं, उद्धव जी महान हैं, उद्धव जी इतने महान हैं, इतने महान हैं, मगर थोड़े बुद्धिमान अगर होते महान के साथ साथ तो और मज़ा आ जाता था। फिर उनको थोड़ा पीछे मुड़ के देखना चाहिए था और वो देखते नहीं करके ये विधान करते हैं। उद्धव जी जी, अनिल परब क्या ऋषि मुनि थे? वो क्या चारित्र के ऐसे आदर्श थे? क्या साधु सन्यासी थे या एक भ्रष्ट नाता दृष्ट दुष्ट खास ऐसे एक विलन थे, खलनायक थे, क्या थे? उनको बचाने वाला कौन था? उनके हर एक चीज को समर्थन करने वाला कौन था? सर, आप ही थे। विनम्रता से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनिल परब जो अभी कभी भी जेल में जा सकता है, अभी उसको बचाने वाले सर, क्लीन चिट देने वाले आप ही थे ना। तो अनिल परब को क्लीन चिट देना ये अनैतिक नहीं है। और इन्होंने अगर किसी के बारे में क्लीन चिट दी, सर चलो संजय राठौड़ के बारे में ही बोलते हैं जी। सर, संजय राठौड़ के बारे में बीजेपी ने उस समय बहुत हंगामा किया, ये बात सच है। अभी वो इधर आया है, मंत्री बना है। सर, संजय राठौड़ को पहले बचाने वाले और उनका राजीनामा लेने के लिए बहुत समय लगाने वाले और तब तक ये बोलने वाले कि उनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, उनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं। कौन थे? महनीय महोदय उद्धव जी ही थे। यहाँ तक छोड़ो, जब संजय राठौड़ का जो बंजारा समाज है उसके नेता उनको मिलने गए, महाराज साधु संत मिलने गए, तो इन्होंने बताया कि संजय राठौड़ निर्दोष है, ऐसा मेरा मानना है, मेरे को पुलिस का क्लीन चिट उसके बारे में मिल गया है, तो मैं उसको मंत्रिमंडल में जरूर लूँगा। अब उस समय आप संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल में लेने वाले थे जी, और अभी इन्होंने लिया तो आपको वो पाप लगता है? वो पाप के बाप कौन है फिर? उस समय चलता है वो जब आपके साथ है। सर, शिवसेना के मंत्रियों के ऊपर किरीट सुमैया एक के पीछे एक आरोप करते रहे, आपने किसका रेसिग्नेशन लिया? आप तो मुख्यमंत्री थे, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि राष्ट्रवादी को बताए कि भाई नवाब मलिक अभी जेल में गया है, अंदर है, कम से कम उसका तो रेसिग्नेशन लेके मेरी अबरू बचाओ। लोग मुझे कहते हैं अरे जेल में मंत्री बैठा है और आप उसको मंत्रिमंडल में रखते हैं, ऐसा बताया? नहीं बताया, उनकी वो हिम्मत नहीं, क्योंकि कल अगर अनिल परब जेल में जाएगा तो इनकी इच्छा थी कि भाई ये अगर रखते हैं तो कल मैं बोल सकता हूँ कि भाई अनिल परब भी मंत्री बना रहेगा। आपने अनिल देशमुख के बारे में, पवार साहब ने जो बोला उसके बारे में बहुत कुछ आया, पर इन्होंने भी उसकी तारीफ की। सर, मुंबई पुलिस दल के बारे में उद्धव जी ने उनको तो स्कॉटलैंड यार्ड तक याद करके दिया कि भाई मुंबई की पुलिस जैसी पुलिस ही नहीं है, क्या बात करके उनको बदनाम कर रहे। और उसी पुलिस के परमवीर सिंह से लेके वाजे तक के सब कारनामे इनके ही आमदनी में प्रकाशित हुए और उनको जेल में डालना पड़ा या तो उनको बर्खास्त करना, ब्लैकलिस्ट करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, राजीनामे लेने पड़े। तो सर, पुलिस दल की आपने तारीफ की, वहाँ तो इतने आपके सब कारनामे दे और उनका समर्थन कितनी जोर से अपने असेंबली में, क्या आप उनको ऐसा समझते, उनको बदनाम करते, ये कहते भाई बाद में वो तो आपको ही बर्बाद करके गए। तो उद्धव जी का ये जो कहना है कि इनको यहाँ पे क्लीन चिट मिल रही है, तो जब 14 और 19 के बीच में
सरकार, शिवसेना और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी, तब फडणवीस साहब ने जिन लोगों को क्लीन चिट दी, उस समय भी दी उन्होंने, उसमें शिवसेना के भी मंत्री थे, सिर्फ भाजपा के थे नहीं, शिवसेना के भी थे। तो वो टाइम फडणवीस ने जो किया वो सही किया, क्यों इनके मंत्रियों को क्लीन चिट मिला। सर उद्धव जी का ये कहना कि अभी शर्म से हमारा तिरंगा भी झुक जाएगा, तिरंगा भी झुक जाएगा, हाँ तिरंगा भी झुक जाएगा, आपने जो किया वो एक मिसाल है, एक उदाहरण है, उस उदाहरण को ये लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने भी वही किया है। वो इसकी कहानी है ना कि वही आदमी उस पापन को पत्थर मारे कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई पाप न किया हो। तो मैं उद्धव जी को बोलूँगा, आपने भी अगर क्लीन चिट देने का पाप किया है तो इनके क्लीन चिट देने पर ऑब्जेक्शन मत लो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंका नहीं करते। महंत राजकुमार उस समय वक्त में बोल के गए हैं, तो वो उद्धव जी आपको भी याद रखना पाएगी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद तत्ते जी। तो तत्ते जी ने उद्धव ठाकरे के जो बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।